हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेज फूडी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुलचे सैंडविच की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे घर के ही कुछ बेसिक सामान के साथ। इसमें आपको मार्केट से चीज़ वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हमारी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल वेज फूडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े साइज के कुलचे, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, या फिर आप इसको ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। एक चॉप्ड अनियन, एक बारीक कटा खीरा, बारीक कटी शिमला मिर्च, 2-3 टेबलस्पून ऑफ टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून वेज मेयोनीज, थोड़ा सा बारीक कटा धनिया, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, या फिर आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला। सबसे पहले हम एक बाउल में थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी शिमला मिर्च। इसी के साथ इसमें डालेंगे बारीक कटे टमाटर, थोड़े से बारीक कटे खीरे, थोड़ा सा बारीक कटा धनिया, और अब इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ा सा चाट मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टेबलस्पून एगलेस मेयोनीज और 2 टेबलस्पून ही टमाटो केचप। इसी के साथ इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ओरिगेनो और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि जो सारे मसाले हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। तो लीजिए, हमारी स्टफिंग रेडी है। चलिए अब हम कुलचे में इसको स्टफ करेंगे। सबसे पहले एक कुलचे पे टमाटो केचप लगाएंगे। अब इसके हाफ पोर्शन पे हम ये स्टफिंग डालेंगे और अब इसको फोल्ड कर देंगे। ध्यान रहे कि अगर इसमें एक्स्ट्रा स्टफिंग हो गई है तो आप उसको निकाल दें, वरना जब हम उसको कुक करेंगे तो उसकी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। अब एक गरम तवे पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको सैंडविच की तरह दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, जैसे आप कोई भी नॉर्मल सैंडविच को सेकते हैं। तो देखिए, हमारा कुलचा दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी कुलचा सैंडविच अब बनकर रेडी है। आप इसको टमाटो केचप या फिर मेयोनीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस बार आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।